सो ये गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज आरजे फ्रिक्स एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ न्यू डोमिनार 250। इसका अभी हम लोग सिनेमैटिक्स बनाएंगे फिर करेंगे इसका राइड रिव्यू। लेट्स गो। अभी कर लेते हैं इसका एक वॉक अराउंड। तो फ्रंट की तरफ सबसे पहले जब आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी इंडिकेटर्स। फुल एलईडी सेटअप है गाड़ी में। एंड यहाँ पे हमें मिलते हैं अपसाइड डाउन फोक्स। देन यहाँ पे 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है। रियर से टायर मिलता है हमें 130 सेक्शन का। यहाँ पे हमें मिलता है इसके डुअल बैरल एग्जॉस्ट। इधर हमें बजाज का DTS है ट्विन स्पार्क इंजन मिलता है 250cc का, जो प्रोड्यूस करता है 26.63 BHP पावर और 23.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। देन उससे यहाँ पे हमें मिलता है लिक्विड कूल सिस्टम जो NS में भी है। देन इस साइड आए तो हमें यहाँ मिलता है 6-speed गियर बॉक्स और यहाँ हमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। इसका जो साइड स्टैंड है और इसकी जो मिरर की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी फ्लैगशिप आती है, क्योंकि फ्लैगशिप बाइक है ये डोमिनार 250 और डोमिनार 400 बजाज की तरफ से जो आती है। काफ़ी स्टडी क्वालिटी है इसकी साइड स्टैंड की और बेस्ट इन सेगमेंट है और इसकी मिरर्स की। और ये हमें मिलता है इंक्लाइंड नहीं है, स्ट्रेट स्टाइल में मिलता है, जिसमें 20% तक शोल्डर्स दिखते हैं, बाकी पूरा पीछे का हमें है विजिबिलिटी। एंड सीट की बात कर ले तो सीट थोड़ी हार्डर साइड पर है, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट सीट होती है तो मैं हर बार जैसे बताता हूँ नंबर्स की प्रॉब्लम हो जाती है लॉन्ग टूरिंग पे, तो टूरिंग के लिए उतना फिर फ़ायदेमंद नहीं रहता। बट इसकी थोड़ी सी हार्डर साइड पे तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्रैब रेल्स काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है एंड प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि पीछे नहीं है, साइड में है। यहाँ पे 250 एनक्रेव्ड है, जैसे 400 में 400 रहता है, यहाँ पे डोमिनार है। देन यहाँ पे स्टिकरिंग की है पूरी। रियर पे आ जाए तो यहाँ पे वही हमें LED सेटअप मिलता है इंडिकेटर्स का। पीछे बैकलाइट कुछ इस तरीके की मिलती है, जो कि स्पोर्टी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसको एक स्पोर्ट्स टूरर बनाती है इस बाइक को। यहाँ पे हमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलते हैं गाड़ी के। देन यहाँ पे इसके डुअल डिस्क है, डुअल चैनल ABS मिलता है गाड़ी में। ये इसके क्रैश गार्ड्स है, अप्स एंड डाउन फोक्स, सब बात हो गई। बात कर लेते हैं इसके टैंक की। तो इसका 13 लीटर का टैंक मिलता है हमें यहाँ पे, जो कि टूरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि 13 लीटर टैंक प्लस इसका जैसे 130 सेक्शन का रियर टायर है तो माइलेज ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं होता, तो 35 किलोमीटर 30 के अबव ही माइलेज मिल जाता है प्लस 35 का, तो टोटल अच्छा निकाल देता है रेंज। देन यहाँ पे बात करें हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे मिलता है स्पीडोमीटर, RPM मीटर, ओडोमीटर, टाइम, फ्यूल गॉज। यहाँ पे दो बटन्स मिलते हैं जिनको चेंज करें तो यहाँ ट्रिप 1 ट्रिप 2 दो ट्रिप मीटर्स है, एक ओडोमीटर है, एवरेज नहीं बताता यहाँ पे गाड़ी पे। यहाँ पे RPM लिमिटर जो कि लिमिट हिट करने पे यहाँ पे ब्लिंक होगा। देन यहाँ पे हमें इंजन चेक लाइट, यही चीज़ें बेसिक चीज़ें सारी है इसमें। देन यहाँ पे दो बटन्स हो गए। और यहाँ पे हम इसकी हैंडल बार्स की बात करें तो वाइड हैंडल बार्स मिलते हैं हमें, जो टूरिंग के लिए ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। हाथ कहीं बीच में इंटरप्ट नहीं होता, बीच में हम लोग टैंक बैग सेट कर सकते हैं आराम से, बीच में इंटरप्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल्स नहीं है, वाइड है ये हैंडल बार्स काफ़ी ज़्यादा। देन यहाँ पे एक और हमें मिलता है ये क्लस्टर छोटा सा, तो इसमें यहाँ पे बजाज का लोगो है। यहाँ पे साइड स्टैंड का यहाँ पे आ जाता है इंडिकेशन, यहाँ ABS, यहाँ पे बैटरी का, और यहाँ पे ये टोटल चीज़ें हमें मिल जाती है। अभी गाड़ी की बात कर ली, अभी कर लेते हैं इसका राइड रिव्यू। पीछे मिलता है हमें यहाँ पे मोनोशॉक, अभी इसका कर लेते हैं राइड रिव्यू, फिर इसके बाद बात करेंगे कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए। लेट्स गो गाइस, अभी इसका कर लेते हैं एक राइड रिव्यू डोमिनार 250 का। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसका कुछ ऐसा है कि दिखने में बड़ी है लेकिन चलाते वक्त अपन अच्छे से टकिन हो जाते हैं, गाड़ी के पैर वगैरह मेरे अंदर चले गए और चलाते वक्त वेट नहीं फील होता बिल्कुल, है ना, से टकिन हो जाते अपन पूरे। हाँ देखो, जैसे इसका परफॉर्मेंस की बात कर ले गया तो इसका जो लीनियर इसका जो टोटल है ना वो खींच के ही आगे जा रहा है, इसका भी लीनियर इसके साइड पे ही है। लो एंड डर इसका अच्छा है कि खींचने नहीं पड़ रहा है, बट इसका जैसे बजाज के इंजन होते हैं
मिड रेंज और हाई एंड टॉप ज़्यादा बेटर है इसका। हायर आरपीएम्स में गाड़ी ज़्यादा भागती है, अच्छा जैसे एनएक्स में भी है वैसे ही इसका देखिए कि हायर रेंज पे ज़्यादा भागेगी और लो एंड टॉप उतना बेटर नहीं है क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा है, तो वेट होने की वजह से लो एंड पे उतना नहीं है। देन अभी ब्रेकिंग वगैरह की भी बात कर लेते हैं, तो पहले फ्रंट ब्रेक की बात करते हैं थोड़ा स्पीड गेन करके। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो इसमें फीडबैक है अच्छा खासा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है। फीडबैक मतलब नोज डाइव नहीं मिल रही है मुझे, लेकिन ब्रेक अपना काम कर रहा है तो फीडबैक पता चल रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो है ही क्योंकि काम कर ही रहा है। देन रियर ब्रेक की बात कर लेते हैं, रियर में बात की तो पिलियन थोड़ा उठ के आगे आ गए क्योंकि रियर ब्रेक में भी फीडबैक है अच्छा खासा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है पर नियर है, अचानक से नहीं लग रहा, धीरे धीरे लग रहा है जैसे कि रियर ब्रेक लगना चाहिए, एक ही बारी में नहीं लग रहा है, तो वो भी है रियर ब्रेक का भी मतलब स्पोर्ट्स बाइक वाली चीज़ है पर है ये एक्चुअली टूरिंग के लिए, टूरिंग बाइक है अच्छी क्योंकि इसमें क्लिप ऑन हैंडल्स नहीं मिलते हैं, वाइड हैंडल बार्स मिलते हैं तो टैंक बैग लगा सकते हैं बीच में आराम से, टूरिंग के लिए अच्छी हो जाती है बाइक, बट परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक वाला ही है, टॉर्किश नेचर कम है पावर ज़्यादा है तो वो एक चीज़ है। गाड़ी मुझे लगा था हैवी लगेगी ऐसा वैसा पर चलाने में नहीं लग रही क्योंकि आराम से टकिन हो जाते गाड़ी के अंदर। देन अभी यहाँ पे बात करते हैं ऑफ रोड में थोड़ा, तो थोड़ा वेट फील होगा अगर गाड़ी ज़्यादा ही स्लो है तो, अभी जितने पे मैं हूँ तो वेट फील नहीं हो रहा, अभी मैं 20 के आसपास कुछ हूँ अभी वेट फील नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम स्लो गाड़ी रहेगी थोड़ा बहुत होगा चलाते वक्त इतना नहीं हो रहा, लेकिन नहीं है ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, प्लेन सड़क होती है तो भगाने के लिए ज़्यादा बेटर रहती है क्योंकि वैसे ही बने इसके टायर सेटअप वैसे ही टाइप का है, प्लस अलॉय व्हील्स है, स्पोक व्हील्स भी नहीं है तो अलॉय बेंड होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है ये, लेकिन रास्ते के लिए टूरिंग के लिए है, टूरिंग बाइक है ये, इसमें टूरिंग किट भी लगवा सकते हैं हम लोग चाहे तो, डोमिनर 400 का जो आता है उसके लिए इसमें भी लगा सकते हैं, वेट में भी ज़्यादा फर्क नहीं। स्लीपर क्लच है इसमें, स्लीपर ही है ना, हाँ क्लच मुझे लगा था लाइट है पर स्लीपर नहीं है, बट है स्लीपर क्लच ही है, अभी इतना लाइट फील हो रहा है। एंड वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो मिरर से दिख रहा होगा वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है गाड़ी में, मिनिमल है, तो मुझे लगा था बजाज की है तो वाइब्रेशन होंगे थोड़े, बट डोमिनार में नहीं है, जो एनएस वगैरह में थोड़े बहुत देखने मिलते हैं, बट डोमिनार एक्चुअली फ्लैगशिप है बजाज की, तो डोमिनार 250 और डोमिनार 400 में वो सीन नहीं है जो एनएस में होता है, तो एकदम रिफाइनमेंट तो अच्छी खासी है डोमिनार में सबसे ज़्यादा क्योंकि बजाज डोमिनार पे ही फोकस करता है, 400 एंड 250 की फ्लैगशिप बाइक है, क्योंकि जैसे दिख रहा होगा हर एक चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्विचेस वगैरह पे भी लाइट वगैरह डाल रखी है अंदर, रात में वो काफ़ी फ़ायदा करता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये दिया है, लेकिन इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं है, नहीं है ना, हाँ इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं है तो वो एक चीज़ है। 400 पे मिलता है, 400 में हमें तीन जगह मिल जाता है, इधर मिल जाता है, न्यूट्रल का मिल जाता है, ऊपर भी मिल जाता है, 400 में तो भर की पोजिशन इंडिकेटर है, इसमें हमें वो नहीं मिलता। देन टूरिंग वगैरह करनी है तो इसमें भी थोड़ा लॉन्ग वाइजर लगा सकते हैं 250 में भी, बट वो है कि पूरा टूरिंग सेटअप लगा के इसका थोड़ा वेट और बढ़ जाएगा, जबकि 250 सीसी की सबसे इसका वेट थोड़ा ज़्यादा ही है, पीछे ले लेता हूँ आगे आ गए ना, ग्राउंड के पास ले लेता हूँ। अभी इसका हम लोग चेक कर लेते हैं टर्निंग रेडियस इसका ज़्यादा, देखो इसका व्हील बेस देखो तो रोड घेरती है पूरा, क्योंकि इसका थोड़ा वेट ज़्यादा है प्लस व्हील बेस भी थोड़ा ज़्यादा है, तो वो एक चीज़ है कि यू टर्न के वक्त थोड़ा पता चलता है, क्योंकि आगे की साइड इसकी ज़्यादा बड़ी भी है और आगे थोड़ा वेट ज़्यादा भी है, पीछे कम है थोड़ा, ऐसा लगता है फॉरवर्ड सेट है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, बट एकदम मतलब निकालने के लिए ना ट्रैफिक में बहुत अच्छी बाइक है, अगर ट्रैफिक में निकालना है तो मेरे को लगा था बड़ी बाइक है थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, खाली देखने में लगती है, बाकी निकालने के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है प्लस ऊपर से पीछे 130 सेक्शन का टायर आता है, जबकि 140 वगैरह का आना चाहिए वेट के हिसाब से, तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है कॉर्नरिंग वगैरह में,
ऐसा नहीं है कॉर्नरिंग कर नहीं सकते, कॉर्नरिंग होती है इसमें, लेकिन जो मीन एंगल होता है ना वो थोड़ा और हो जाता है अगर 140 सेक्शन का टायर होता जैसे R15 में मिलता था हमें। बट ठीक है, क्योंकि इसका स्टैंड भी नेकेड वाला है एंड टूरिंग वाली इसकी पोजीशन है, ऐसे कुछ फेयरिंग वाली बाइक है नहीं तो चलेगा, लेकिन बाद में चाहे तो चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए अलॉय भी चेंज करवाना पड़ेगा और टायर का भी सेक्शन बड़ा लेना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ करानी पड़ेगी। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है यार। देन यहाँ पे ABS का इंडिकेशन है, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है एक्चुअली। अगर मैं टूरिंग कर रहे हैं, हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं, तो हाईवे अगर अभी इतना नीचे देखना प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत नीचे देखना पड़ रहा है, इधर ही होना चाहिए था सब कुछ। तो ठीक है, उस पर जो चीज़ है वो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो अगर 400 की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम होती थी क्योंकि नीचे इंडिकेटर था गियर पोजीशन, वो देखना पड़ता है बार बार, लेकिन अब वो भी ऊपर भी डाल दिया, उसमें दोनों तरफ ही डाल दिया, तो प्रैक्टिकल हो गया काफ़ी ज़्यादा पहले से। एंड जो मेरा स्टैंड बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो फुट टैक्स है वो ज़्यादा रियर सेट भी नहीं है पर थोड़े से रियर सेट है, एग्रेशन देने के लिए, एग्रेसिव पोजिशन देने के लिए, पर ज़्यादा भी नहीं है, तो हाईवे वगैरह में टूरिंग में फेल नहीं होगा ज़्यादा। फ्रंट का है ही नहीं बिल्कुल, थोड़े से रियर सेट है, तो वही एक चीज़ है। साइडिंग वगैरह चेक कर सकते हैं सीलन के साथ, एक बार देख लेते हैं साइडिंग का इसमें। हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ सेट है, तो स्टैंडिंग वगैरह करने के लिए इसमें थोड़ा राइजर्स वगैरह डालने पड़ेंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, मेरी हाइट 5'10" है, तो उस हिसाब से काफ़ी नीचे की तरफ है हैंडल बार, तो स्टैंडिंग वैसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑफ रोडिंग बाइक है भी नहीं, तो टूरिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड लगेज कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत लगेज आगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा वेट का। ये नहीं था, ये ग्राउंड था इधर। अच्छा, अभी बिल्कुल वेट फील नहीं हो रहा, देखिए ट्रैफिक में फील होता होगा थोड़ा आगे पीछे करने में, ऐसे तो नहीं पता चल रहा, वेट की कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस ये स्टडीनेस काफ़ी ज़्यादा है मिरर, जो मैंने अभी बताया इंजन में वाइब्रेशन नहीं है, इंजन रोरिंग है तब भी वाइब्रेशन नहीं लग रहा है। उसका एक हाथ मिरर पे भी जाता है, मतलब मिरर्स का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि स्टडी इसकी इतनी बिल्ट है, वैसे भी वो हिलिंग है नहीं वाइब्रेशन चेक करते हुए। थोड़ा सा टॉल गियरिंग की तरफ है गाड़ी, मतलब मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ रहे गियर्स वगैरह। मैंने ब्रेक्स की बात कर ली, सस्पेंशन की बात कर ली, ऑफ रोडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये, इसमें बेट वगैरह है ना तो वो फील होता है, तो ऑफ रोडिंग इसमें नहीं करना ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे उतना फील नहीं हो रहा, मेरी हाइट वगैरह भी है क्योंकि, बट होगा ऑफ रोडिंग के लिए इसके सस्पेंशन नहीं बने एंड जो चीज़ें हैं वो उतना ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, बट परफॉर्मेंस अच्छी है काफ़ी ज़्यादा। अभी इसकी बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, किसको ये बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं। एक बार गाइस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ मैं कैसा आता है। तो ग्रंट काफ़ी ज़्यादा है एग्जॉस्ट में। एंड यस, स्पेशल थैंक्स टू ईशानिया बजाज फॉर गिविंग मी दिस बाइक फॉर द रिव्यू। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूंगा शोरूम की, कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, एड्रेस भी डाल दूंगा, विजिट कर सकते हो। कोई भी बजाज की बाइक चाहिए हो तो डायरेक्टली शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। एंड इसके कलर वेरिएंट्स की बात करते हैं, एक ब्लैक कलर आता है, देन एक सिट्रस ग्रीन आता है और एक रेड कलर का इसमें आता है, हमारे को तीन कलर्स मिलते हैं 250 में। एंड इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,77,000। गाइज़ अभी बात कर लेते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की, कि किसको ये बाइक लेनी चाहिए, किसको कंसिडर करनी चाहिए, किसको नहीं। तो जिनको टूरिंग करनी है, हाईवे पे ज़्यादा टूरिंग के लिए जाना है, लॉन्ग स्पीड्स पे क्रूजिंग करनी है, तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उनके लिए। सिटी कम्यूटिंग के लिए भी ये बाइक अच्छी है, लेकिन इसका थोड़ा वेट है तो ट्रैफिक में वेट फील होता है, व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है, बट
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी हाइट वगैरह है अच्छी खासी तो मेरे को दिक्कत नहीं आ रही, जिसका वेट वगैरह भी होगा उसे भी दिक्कत नहीं आएगी। और माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकाल के दे रही है, 250 सीसी के हिसाब से पावर तो दे ही रही है। तो अपने स्टाइल पे पूरी डिपेंड करती है गाड़ी कि हमारा राइडिंग स्टाइल कैसा है। अगर हम ज़्यादा पुश कर रहे हैं इसको लिमिटर्स पे तो फिर कम माइलेज देगी थोड़ा, नहीं तो अच्छे से चला रहे हैं सॉफ्टली चला रहे हैं तो अच्छा माइलेज भी देगी। तो सिटी कम्यूटिंग के लिए भी अच्छी हो जाती है, हाईवे के लिए तो है ही। ऑफ रोडिंग इस पर ज़्यादा नहीं कर सकते, एग्रेसिव ऑफ रोडिंग के लिए बाइक नहीं है क्योंकि इसमें वेट है, देन इसका टायर सेटअप सस्पेंशन सेटअप कुछ भी वैसा है नहीं ऑफ रोडिंग के लायक, तो ऑफ रोडिंग इस पर ज़्यादा नहीं कर सकते। बट टूरिंग के वक्त अगर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आ जाती है, थोड़ी बहुत रिवर क्रॉसिंग आ जाती है तो वो भी इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना है लद्दाख वगैरह स्पीति तो ये कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पर टूरिंग सेटअप लगा सकते हैं। थोड़ा सा बस ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत आती नहीं है इस पर। तो जो लोग रोज़ का डेली कम्यूटिंग कर रहे हैं, ऑफिस वाले, जॉब वाले, देन कॉलेज वाले, तो वो लोग भी इसको कंसीडर कर सकते हैं आराम से। तो ये एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है जो कि नेकेड और फेयरिंग के बीच में आते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा सा वेट इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें टूरिंग की जा सकती है, देन एग्रेशन है वो स्पोर्ट्स वाला, तो उस चीज़ के लिए ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई बाइक का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट पे बता देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।